महाराष्ट्र के पालघर लिंचिंग केस में साध्वों का केस लड़ रहे वकील दिग्विजय त्रिवेदी की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा बुधवार को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हुआ, लेकिन बीजेपी ने इस मौत पर सवाल उठा दिए हैं। संबित पात्रा ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि साधुओं की बात करने पर हमला क्यों हो रहा है। चालीस साल के वकील दिग्विजय त्रिवेदी की कल मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक हादसे में मौत हो गई। भयंदर से अपने घर वापस जा रहे थे दिग्विजय त्रिवेदी, गाड़ी अनियंत्रित हुई और एक भयानक हादसे का शिकार हो गई। वकील विजय त्रिवेदी के साथ एक महिला भी थी, वो भी बुरी तरह से जख्मी है। लेकिन जैसे ही इस मौत की खबर मुंबई और दिल्ली पहुंची, एक नई सियासत शुरू हो गई, क्योंकि वकील दिग्विजय त्रिवेदी उन साधुओं के लिए कोर्ट में लड़ रहे थे जिनकी हत्या 20 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में पीट पीट कर कर दी गई थी। पीआई कासा से ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया और दिग्विजय त्रिवेदी उसके अंदर उनका स्वर्गवास हो गया और उनके साथ में जो प्रीति त्रिवेदी उनकी जूनियर थी, जो उनकी सहयोगी, उसको भी गंभीर जख्मी हुई थी। पालघर की इस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। दो साधुओं को वर्दी वालों के सामने हिंसक भीड़ ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। सवाल सरकार से पूछे जा रहे थे और कटघरे में स्थानीय प्रशासन खड़ा था। मॉब लिंचिंग की जांच शुरू हुई तो वकील पीएन ओझा के साथ दिग्विजय त्रिवेदी के सवालों ने कोर्ट में प्रशासन और पुलिस की नींद उड़ा दी थी। अब सड़क हादसे में वकील दिग्विजय त्रिवेदी की मौत की खबर जैसे जैसे फैल रही है, एक नई राजनीति आकार ले रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछा है कि इस मौत का सच क्या है। पालघर में संतों की हत्या मामले में विश्व हिंदू परिषद के वकील दिग्विजय त्रिवेदी की सड़क हादसे में मौत हो गई, ये खबर विचलित करने वाली है। क्या ये केवल संयोग है कि जिन लोगों ने पालघर मामले को उठाया उन पर हमला हुआ या उनकी मौत हो गई? ये चौंकाने वाला है और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं महाराष्ट्र के डीजीपी और मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच के आदेश देने की मांग करता हूं। मॉब लिंचिंग के इस मामले में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन एक सवाल सबके सामने है कि आखिर इस हत्याकांड पर सवाल पूछने वालों पर हमला क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तक जो गाड़ी है उसका इंस्पेक्शन नहीं होता है, उसकी रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं और हमारे साथी भी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम वहां पे थे नहीं। लेकिन जो बातें हम लोग मालूम पड़ी कि वहां पे जहां पे एक्सीडेंट हुआ वहां कोई आदमी मौजूद नहीं। लॉकडाउन के बीच हुए पालघर हत्याकांड की वजह से राज्य की सियासत सुलगती रही, सीएम को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। दिग्विजय त्रिवेदी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो गई है, लेकिन मौत की जांच तो होनी चाहिए। यह हादसा है या फिर हत्या? राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।